सईद अजमल द मैजिशियन यूट्यूब चैनल पे, और आज हम बात करेंगे मिसबाह लॉ के चीफ सेलेक्टर शिप छोड़ने के ऊपर। देखें, एक्चुअली पाकिस्तान में जब कोई बंदा दो अहदे पे काम करता है तो अगर वो बेहतरीन काम करे तो लोग खुश होते हैं, उस पर बातें करते हैं, उसको कहते हैं कि ये कितना हार्ड वर्कर है, फलां है, बलां है, बलां है। हाँ, अगर गलती से उसके पास परफॉर्मेंस या उसको वो जो लोग उनसे डिज़र्व कर रहे होते हैं या उससे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि ये करेगा, अगर वो ना कर सकें तो हालत वही है जो मिसबाह की हुई है इस वक्त। मिसबाह को दो अहदे उन्होंने दिए, मिसबाह ने खुशी से कबूल किया। एक्चुअली मिसबाह ये सोच रहा था कि ये बड़ा आसान काम है बड़ा, मगर ये इसके ऑपोजिट रहा। देखें, दो तरफ ध्यान देना मिसबाह के लिए बहुत मुश्किल था। आसान तो था, बट ये है कि मिसबाह के लिए इतना मुश्किल क्यों हुआ, क्योंकि जो पाकिस्तानी अवाम है ये नहीं चाहती कि कोई बंदा सच्चे दिल से लगन के साथ काम करे। एक्चुअली मिसबाह की जो सोच थी वो ये थी कि सिलेक्शन अगर मैं करता हूँ तो मेरी मर्ज़ी से टीम अगर आगे सेलेक्ट होती है तो आगे हेड कोच मैं हूँ और मैं ही इसको हैंडल करूँगा और इसको दोनों का जवाब मैं दूँगा। बट ये चीज़ ज़्यादा देर नहीं चल सकी मिसबाह की, क्योंकि टीम का टूर इंग्लैंड का था और आपको पता है हमेशा इंग्लैंड का टूर बड़ा मुश्किल रहता है, और प्लस कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लोगों की प्रैक्टिस भी कम रही है, मैचेस भी कम मिले हैं, और सूरत हाल बिगड़ती 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 मिसबाह ने तंग आकर अपने ये ओहदा एक छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ पीसीबी के अंदर भी बंदे ऐसे मौजूद हैं जो ये नहीं चाह रहे थे कि मिसबाह दो अहदों के ऊपर काम कर सके और कोई क्रिकेट की बेहतरी के लिए कर सके। एक्चुअली मैं मिसबाह को काफ़ी अच्छा जानता हूँ। मिसबाह की सोच कुछ थोड़ी डिफरेंट है। वो चाहता है कि टीम एकदम ना बने। एकदम टीम कैसे बन सकती है? टीम के यंगस्टर या सीनियर के साथ ज्वाइन करके कोई टीम ऐसी बनाई जाए जो आहिस्ता 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 डेवलप हो और एक साइड पे या एक जगह पे आके वो बिल्कुल बेहतरीन टीम बन सके। ये उसकी सोच थी। अब उसकी सोच के ऊपर लोग कैसे काम कर रहे थे या उसका क्या रिएक्शन था वो आप लोगों के सामने है। और तंग आया मिसबाह सूरत हाल से, पाकिस्तानी अवाम से या पाकिस्तानी मीडिया से या पीसीबी के कुछ ऐसे बंदे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा है, जो सारा इंग्लिश कल्चर यहाँ पे लेके आ रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये कल्चर पाकिस्तानी है, यहाँ का वेदर भी डिफरेंट है, यहाँ के बंदे भी डिफरेंट हैं। हमारी क्रिकेट का बुरा हाल हो चुका है, इसमें देखें डोमेस्टिक से लेकर नीचे क्लब क्रिकेट तक आपके क्रिकेट खेलने का शौक़ कम होता जा रहा है। मैं खुद अकेडमी चलाता हूँ, मुझे पता है कि सूरत हाल क्या है। लोग चाहते हैं, अब पहले होता था डिवीज़न के बाद हर डिवीज़न की लहदा फर्स्ट क्लास की टीम होती थी, उनकी अंडर 16 की टीम होती थी, उसकी अंडर 19 की टीम होती थी, उनकी क्लब क्रिकेट होती थी। वो चारों चीज़ें छोड़ के 8-8 शहरों की एक टीम बनी है, उसमें कितने बंदे एक शहर के। अब मेरे शहर की 80 लाख की आबादी है और मेरे फैसलाबाद की टीम अगर ना खेले तो इस 80 लाख की आबादी में कम व बेश 4-5 हज़ार क्रिकेट तो खेल रहे होंगे जो अच्छे लेवल पे क्लब क्रिकेट खेलते हैं, उनका क्या बनेगा? यही हाल अगर आप दूसरी टीमों का देखें, दूसरे शहरों का देखें, तो यही सूरत हाल नज़र आ रही है हर जगह पे। क्रिकेटर कम होते जा रहे हैं, अच्छी क्रिकेट देखने को मिल नहीं रही, फिटनेस लेवल ये हो गए हैं कि हमारे देखेंगे ना क्लब क्रिकेट हो रही है, ना ग्रेड टू हो रही है, ना किसी बच्चे की जॉब है। तो कैसे पेरेंट अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजेंगे कि इतनी रिस्की गेम कैसे खेलेंगे? यही ये सूरत हाल है। बहुत सारे क्रिकेटर जो जॉब से चले गए हैं, बहुत ऐसे सीनियर प्लेयर हैं जिनकी कंफर्म जॉब थी वो छोड़ चुके हैं। तो ये ऐसा सिस्टम कितनी देर तक चलेगा? इस सिस्टम में कुछ ना कुछ बेहतरी लाने के लिए कुछ सोचना होगा। मैं इमरान खान साहब की कदर करता हूँ, मगर जब यह नया सिस्टम कोई चीज़ किसी चीज़ को लेके आते हैं तो इसके लिए कम से कम 2-3 साल का टाइम ज़रूर देना चाहिए। एकदम हर चीज़ क्विकली चेंज नहीं करनी चाहिए, इससे सारा सेटअप ख़राब हो जाता है। क्या ये होता है? कितनी अच्छी नया सिस्टम कोई चीज़ किसी चीज़ को लेके आते हैं तो इसके लिए कम से कम 2-3 साल का टाइम ज़रूर देना चाहिए। एकदम हर चीज़ क्विकली चेंज नहीं करनी चाहिए, इससे सारा सेटअप ख़राब हो जाता है।
क्या ये होता, कितनी अच्छी बात होती कि ये हम अनाउंस करते और यही चीज़ 2 साल के बाद जाके लागू होती, तो प्लेयर एडजस्ट कर चुके होते उतनी देर में, हर कोई ना कोई बेहतरी के लिए कर चुका होता, कोई सेटिंग कर चुका होता अपनी, तो जाके ये अनाउंस होता। अब इंग्लैंड में अगर T20 के 2 मैच बनाने थे या कम करने थे, उन्होंने 2 साल का टाइम दिया था, एक काउंटी का मैच ज़्यादा था उसको कम करना है, तो 2 साल के बाद जाके वो कम हुआ। तो हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए, हम कल्चर तो इंग्लिश लेके आ रहे हैं मगर इंग्लिश लॉ को भी थोड़ा लेके आए यहाँ पे, ताकि पता चल सके लोगों को क्रिकेट कैसे खेली जाती है, वहाँ की क्लब क्रिकेट कैसी है, वहाँ की ग्रेड 2 की या डोमेस्टिक की दो दो तीन तीन टीमें हैं वो कैसी हैं। हमने हर चीज़ ला के यहाँ पर खड़ी कर दी है, CEO साहब ने काफ़ी सख्त इकदाम किए हैं, बट ये है कि उनको सोचना चाहिए कि फ्यूचर में पाकिस्तानी क्रिकेटर का क्या हाल है या क्या हाल होने वाला है, ये आपको चल के आगे पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम।